यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन अगले साल 2 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। इस सीरीज में आपको केके मेनन, आर माधवन, दिवेंदु शर्मा नजर आएंगे। इस वेब सीरीज को शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। द रेलवे मैन से एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान भी डेब्यू करने जा रहे हैं। शो की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है। अपने बेटे बाबिल के पहले एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए उनकी माँ सुतपा ने इंस्टाग्राम पर बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लिखी। अब बताते हैं कि सुतपा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा। तो इस हफ्ते मेरे बेटे बाबिल ने शूटिंग शुरू की है। मैं इस बाबिल खान नाम के लड़के के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हालांकि मैं थोड़ी लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं सभी सिंगल माताओं को बताना चाहूंगी कि पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है, खासतौर से तब जब आपका बच्चा 21 साल दोनों पेरेंट्स के साथ रहा हो। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मैं हर सिंगल मदर के लिए ताली बजाती हूँ। सॉरी बेटे, लेकिन सारी जिंदगी मैंने एक लेजेंड के साथ काटी है। 30 साल फैक्चुअली और सारी जिंदगी इमोशनली और रूहानी रूप से, इसलिए मेरा स्तर काफी हाई हो चुका है। मैं तुम्हें भयभीत या तुम पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहती। उसके लिए हमारे पास सोशल मीडिया है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा कहते थे कि मैं वो क्रिटिक हूँ जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है और व्यक्ति को हर बॉक्स को टिक करना पड़ता है, जिसके बाद मैं उन्हें एक अच्छा एक्टर मानती हूँ, जिसके लिए तुम्हें अभी वक्त लगेगा। तुम शुरुआत कर रहे हो बच्चे, और तुम्हारा हार्ड वर्क देख मैं तुम्हें पहला टिक देती हूँ। मुझे पता है तुम शो की अमेजिंग कास्ट को देखकर बहुत खुश हो और साथ ही साथ बहुत लकी फील कर रहे हो कि तुम्हें इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों के साथ सीखने को मिल रहा है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने खुशी खुशी दूसरा टिक तुम्हें इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ पोस्टर पर देखकर ही लगा दिया। ऑल द बेस्ट, पूरे मन से काम करना, लेकिन बाकी के टिक्स को पाने की जल्दबाजी नहीं दिखाना, क्योंकि बेटे कोशिश करना, फेल होना और फिर ठीक होना ही जिंदगी का सही तरीका है। तुम अपने पिता की लेगेसी आगे ले जाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। इरफान खान का पिछले साल 29 अप्रैल को देहांत हो गया था। उनके बेटे बाबिल को पर्दे पर देखने के लिए काफी लोग उत्साहित हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शुभम ने। सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डी लल्लन टॉक। शुक्रिया।